साथ ही सिनेमा के एक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर एंड फिल्ममेकर एक साथ नजर आए लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड्स में। और यहां आकर सबसे पहले करीना कपूर खान ने शेयर की अपनी खुशी महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड्स पर। आई थिंक ऑफ कोर्स हर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने स्टेट के तरफ से एन अवार्ड टू बी अवार्डेड महाराष्ट्र ऑफ द ईयर, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। आई एम वेरी वेरी प्राउड of my state, very very proud of my city, a true Mumbaikar, and to receive this honor, I think it's I feel very humbled. तो वहीं उन्होंने अक्षय कुमार को मिले महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उन्हें डिजर्विंग एक्टर माना। I think the reason there's no one more deserving than him, because I think his choice of films are so brave. उन्होंने हर एक टॉपिक पे अलग-अलग you know film, he's always tried to do something different, so of course I think there's no one more deserving than him. इनके अलावा सिंगर श्रेया घोषाल शेयर्ड हर हैप्पीनेस ऑन दिस अवार्ड। मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ। मैं 1997 में मुंबई पहली बार आई और तब से मैं यहाँ की रह गई हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का जो सेलिब्रेशन है इज अबाउट बीइंग अ महाराष्ट्रियन एंड आई फील वन एंड आई हैव गॉट सो मच लव फ्रॉम महाराष्ट्र एंड फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई, सो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। खिलाड़ी अक्षय कुमार भी इस मौके पर अवार्ड लेने आए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, पर उनके चेहरे की खुशी ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो इस अवार्ड को लेकर कितने खुश हैं।